हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी वैगन आर 2023 अपडेटेड वर्जन विद BS6 फेज 2 नॉर्म्स। ये कार आपको 3 वेरिएंट्स, 9 कलर ऑप्शंस और 2 इंजन ऑप्शंस के साथ देखने को मिलती है। साथ ही में आपको डुअल टोन, ऑटोमेटिक और CNG का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। प्राइस स्टार्ट हो जाती है आपकी 5.54 लाख एक्स शोरूम से, और टॉप मॉडल जो आपका है ZXi 80 डुअल टोन, उसकी प्राइस जाती है 7.42 लाख एक्स शोरूम। फिलहाल जो ये वेरियंट हमारे सामने खड़ा है वो इसका VXi वेरियंट है, जिसकी प्राइस पड़ती है 6.75 लाख ऑन रोड। तो इसी वेरिएंट का आज कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड करेंगे और जानेंगे क्या क्या फीचर्स इस कार में हमको इस प्राइस रेंज में ऑफर किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो कुछ इस तरह की फ्रंट प्रोफाइल आपको इस कार में ऑफर करी जाती है। बड़ा सा सुजुकी का लोगो देख पाएंगे, उसी के किनारे किनारे क्रोम का यूज देख पाएंगे। एक यूनिक सा लुक देने की कोशिश करी गई है। जो आपकी फ्रंट की ग्रिल है वो आपकी मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगी। ये रही नंबर प्लेट की पोजीशन। रेडिएटर ग्रिल में आप देख सकते हैं एकदम आपके स्ट्रेट लाइन जैसी देखने को मिलेगी, नॉर्मल सी ग्रिल है। ये रही अंडर बॉडी और 65mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये कार आपको ऑफर करती है। बोनट आप देख सकते हैं, एकदम प्लेन सा बोनट है, वाइट कलर काफ़ी अच्छा लगता है। ये रहे आपके फ्रंट के वाइपर्स। एंटीना की बात करी जाए तो आपको नॉर्मल तार वाले एंटीना यहाँ देखने को मिलते हैं। बात कर ली जाए लाइट सेटअप की तो आपको यहाँ पे हैलोजन बेस्ड, रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा। कोई भी DRL ऑफर नहीं किए जाते हैं। फॉग लैंप्स भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ये रही आपके टो हुक की पोजीशन। चलिए आ जाते हैं अब साइड प्रोफाइल में। देखिए कार की लंबाई आपकी लगभग 3655mm की है और व्हील बेस आपका मिल जाता है 2435mm का। फ्रंट टायर्स की बात करें तो आप व्हील आर्चेस देख सकते हैं। बॉडी कलर में आपको व्हील आर्चेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। स्टील रिम्स हैं। फ्रंट में आपको डिस्क, रियर में ड्रम ऑफर किए जाते हैं। व्हील कैप्स आपको सिल्वर कलर में ऑफर किए जाते हैं। टायर साइज आप देख लीजिए 165/70R14 14 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका फ्रंट का सस्पेंशन। इंडिकेटर आपका यहाँ पे साइड फेंडर पे देखने को मिल जाएगा। बॉडी कलर में ORVM से। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल से बेसिक से हैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साइड क्लैडिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑफर नहीं करी जाती है। कोई भी क्रोम का यूज़ यहाँ पे आपको साइड में देखने को नहीं मिलने वाला है। विंडो लाइन पे भी आप क्रोम का यूज़ नहीं देख पाएंगे। और ये जो पिलर्स हैं आपके, ये आपके मैट ब्लैक फिनिश में। कोई भी आपको रूफ रेल नहीं दी गई है, सनरूफ नहीं दी गई है। एंटीना ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तार वाला है दोस्तों। ये रहे आपके रियर टायर्स। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। और ये रहा आपका रियर सस्पेंशन, आप देख सकते हैं ये ड्रम ब्रेक्स हैं। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से इसके रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रियर प्रोफाइल ये कार आपको ऑफर करती है। बड़ा सा वैगन आर लिखा है, मस्त सा क्रोम का यूज़ यहाँ पे आप देख पाएंगे। कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। सुजुकी का लोगो है। रियर वाइपर भी नहीं है, डिफॉगर भी नहीं है। आई स्टॉप माउंट लैंप देख सकते हैं। और एंटीना आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ दोस्तों। लाइट सेटअप की बात करी जाए तो स्कॉर्पियो से मिलती जुलती लाइट सेटअप इसका देखने को मिलेगा, लेकिन कम्प्लीटली हेलोजन में है। पूरा आपके पिलर तक गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये रहा आपका रिफ्लेक्टर। और रिवर्स पार्किंग सेंसर आप देख सकते हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं, लेकिन कोई भी कैमरा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं बूट की। तो जब आप बूट खोलेंगे तो लगभग आपको इसमें 341 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। और अच्छा खासा हम्प है, तो आपको सामान निकालने में और डालने में थोड़ी सी मशक्क़त यहाँ पे होने वाली है दोस्तों। कोई भी लैंप आपको बूट स्पेस में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए स्पेयर टायर खोल लेते हैं। स्पेयर टायर की बात करें तो आपको स्पेयर टायर भी स्टील रिम्स में देखने को मिलते हैं। और आपका साइज है 165/70R14 ट्यूबलेस रेडियल टायर्स हैं। ये रही आपकी पार्सल ट्रे। और पीछे से देखेंगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल इसे बंद कर लेते हैं और अंडरबॉडी देखेंगे। तो देखिए आपको कुछ इस तरह की अंडरबॉडी यहाँ देखने को मिलेगी। साइलेंसर की प्लेसमेंट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे और शॉकर्स भी देख पाएंगे दोस्तों। दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल लिड देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा ढक्कन है इसका और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 32 लीटर्स की ऑफर करी जाती है गाइस। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के अंदर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका दरवाज़ा, ब्लैक कलर में कंप्लीट आपको दरवाज़ा देखने को मिलेगा। और बहुत सारा हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी हार्ड मटेरियल यहाँ देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल्स, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर। यहाँ पे आप स्पीकर की प्लेसमेंट देख पाएंगे। टोटल 2 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोम जैसा यूज़ देखने को मिल जाएगा। पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के फीचर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं दोस्तों। ड्राइवर सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ऑफर करी जाती है। टिल्ट और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करना पड़ेगा। ये रहे आपके एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर पाएंगे, यहाँ से आप इंजन भी ओपन कर पाएंगे दोस्तों। इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच दे रखा है, हेडलाइट लेवलर दे रखा है, AC के वेंट्स कुछ इस तरह के ऑफर किए जाते हैं। और ये रहा आपका कंप्लीट ब्लैक एंड बीच कलर का इंटीरियर्स। सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक अपोस्ट्री वाली सीट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छी है। और ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। एनालॉग है, छोटा सा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। वैगन आर के हिसाब से ठीक है।
स्टेयरिंग व्हील आप देख लीजिए, राउंड स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा और काफी बड़ा स्टेयरिंग व्हील है इसमें देखने को मिलेगा। सुजुकी का लोगो, एयरबैग की बैजिंग, टोटल 2 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। ये आपका मोड वगैरह चेंज करने के लिए, म्यूट करने के लिए, कॉल रिसीव कट करने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। इधर आपको कोई भी कंट्रोल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। हेडलाइट के कंट्रोल जो कि मैनुअल में है, ये रहे आपके वाइपर्स के कंट्रोल जो कि मैनुअल में है और केवल फ्रंट में दिए गए हैं। स्टेयरिंग आपको केवल टिल्ट के साथ मिलेगा, टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग ऑफर नहीं किया जाता है। ये रहे इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 2D इंटीग्रेटेड ऑडियो आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ये सारे रहे इसके कंट्रोल्स और मैट ब्लैक फिनिश में इसका आउटर आप देख पाएंगे। ये रहे हजार्ड की पोजीशन, नीचे आपको मैनुअल AC कंट्रोल से ऑफर किए जाते हैं। ये रहा आपका 12 वोल्ट का सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। हैंड ब्रेक आपका मैनुअल है, कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ ऑफर नहीं किया जाता है। सीट्स आप देख लीजिए, ये रहा आपका ग्लव बॉक्स, कुछ इस तरह का छोटू सा ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है। डैशबोर्ड देख लीजिए, ब्लैक बीच कलर में आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। केबिन लैंप आपके हेलोजन में, मैनुअल IRVMs, को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा पर लाइट नहीं दी गई है। और ये रहा आपका कंप्लीट डैशबोर्ड, ब्लैक और बीच कलर प्लस थोड़ा थोड़ा सिल्वर एसेंट का यूज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब सेकेंड रो में चलते हैं। सेकेंड रो का दरवाज़ा भी आपको कंप्लीट ब्लैकआउट देखने को मिलेगा और एक सिल्वर का टच देखने को मिलेगा। बाकी सब कुछ हार्ड है, सेम कुछ है, अलग कुछ भी नहीं है पीछे। और बाहर से देखेंगे तो इस तरह का इंटीरियर ऑफर किया जाता है। चलिए अंदर बैठ के देख लेते हैं। जब अंदर बैठेंगे तो थाई सपोर्ट आपको देखो काफ़ी कमी महसूस होगी। नी रूम और लेग रूम ठीक ठाक है, मैनेज किया जा सकता है, थाई रूम लेकिन काफ़ी कम है। कोई भी रियर AC के वेंट्स वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। कोई भी चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, हम थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। और ये रहा आपका डैशबोर्ड सेकंड रो से। और कोई भी केबिन लैंप आपको सेकंड रो में ऑफर नहीं किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके सीट्स की। तो 60-40 स्प्लिट में आपको सीट देखने को मिलेंगी। 2 हेडरेस्ट हैं, एडजस्टेबल नहीं है, कोई भी कप होल्डर ऑफर नहीं किया जाता है। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट जरूर ऑफर करी गई है दोस्तों। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट देखने को नहीं मिलेगा। ये रहा आपका पार्सल ट्रे, ग्रैब हैंडल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। चलिए लास्ट में बस अब इसका इंजन में बचा है, इंजन में देख लें किस तरह का हमको ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप इंजन में खोल पाएंगे गाइस। इस वाले वेरिएंट में आपको 1 लीटर K10C 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। 65 BHP की पावर देगा, 89 Nm का टॉर्क देगा, माइलेज 24-25 का निकाल के देगा। यहाँ भी आपको कोई इंसुलेशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन पेट्रोल इंजन में वैसे भी इंसुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो ये रहा आपका वैगन आर VXI मॉडल, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।